हमारी दूसरी कहानी का नाम है जश्न। और ये कहानी है त्रिपुरा में बसे एक मध्यम वर्गीय जोड़े की, मिस्टर एंड मिसेस देव। दोनों की जिंदगी बहुत ही सिंपल, दोनों के ख्वाब बहुत ही सिंपल, दोनों की आशाएं बहुत ही सिंपल, कि अचानक उनकी जिंदगी में आते हैं एक ऐसे मोड़ जो सब कुछ बदल देता है। क्या था वो मोड़, जानने के लिए स्वागत कीजिए श्री सुजीत कुमार देव का। नमस्ते। तो मिस्टर देव, आपके साथ ऐसा क्या हुआ था जिसने आपकी जिंदगी बदल दी थी? जैसे रिमशा का जन्म होने से पहले रिमशा का मामी, मैं और रिमशा का बड़ा बहन, ये तीनों मिलकर एक सिंपल लाइफ बिता रहा था। अचानक 2000 का 25 नवंबर हमारा लाइफ का एक चेंज आ गया था, क्योंकि इस दिन ही रिमशा पैदा हुई थी और उस दिन ही कोई एक बड़ा कंपनी का साथ हमारा एक डील हुआ है, एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। उसके बाद हम लाइफ में कभी पीछे मुड़ के कभी देखा नहीं। आज मैं गर्व से कह सकता हूँ रिमशा हमारा हीरो है, रिमशा आज का दिन में हमारा हीरो जैसा काम कर रही है। और आज मैं इस जो स्टेज पे खड़ा होकर बात कर रहा हूँ, इस स्टेज पे आने के लिए सब रिमशा का ही है मेन। ये स्टेज मेरा लिए सपना था, आज के दिन में सब पूरा हुआ है। जीटीबी गुरु महागुरु सबको मेरा थैंक्स, धन्यवाद। वैसे आपका भी काफी नाम हो गया, सब कहते हैं रिमशा के फादर बहुत अच्छा डांस करते हैं। हाँ हाँ हाँ, ये तो आपका बहुत बड़ा हाथ है। आपने जो सपोर्ट वहाँ पे बैठ के जो दी है वो तो मतलब कि ना सिर्फ देखने लायक है लेकिन काबिल तारीफ है। हमारे सुरों की महफिल में आपका डांस पॉपुलर हो गया, फेमस हो गया। थैंक यू मैम। तो स्वागत कीजिए जावेद के अबीरू से त्रिपुरा की तितली रिमशा देव का। कम ऑन गाइस। रिमशा, रिमशा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Yeah.
वाह रिमशा, क्या गाया आपने? गुरु से पूछे हैं? Yes. पर सबसे पहले आपके पापा को पूछते हैं। मिस्टर देव, कैसा लगा आपको रिमशा का ये गाना? रिमशा का गाना तो मेरा बहुत अच्छा लगा। जैसे हमारा घर में रिमशा गाई थी पूजा में, उधर तो पूजा में रिमशा जब गाई थी इस समय अच्छा म्यूजिक सिस्टम नहीं था, जैसे आपका जो बजाया था म्यूजिशियन वो भी नहीं था, मगर आज ये गाना सुन के मेरा लगा है तो रिमशा बहुत अच्छा गई है। गुरु कैलाश, रिमशा ने अच्छा गाया है, अच्छा गाती है ये, और इस जो ओम नमः शिवाय की जो गुंजार आपने दी है, पूरा देश तो आपको वोट कर ही रहा है। जिस गांव में मैं पैदा हुआ हूँ उस गांव के पास एक गांव है जिसका नाम है शिवाय, तो उस शिवाय नाम के गांव वाले भी आपको वोट आज करेंगे जरूर, ये मुझे लग रहा है। उनको लगेगा कि हमारे गांव का नाम आया शिवाय शिवाय शिवाय। हरिओम। थैंक यू। रिमशा बच्चे, आपने आज जो गाया है बहुत अच्छा लगा। जो आज का जो एक थीम है, जहाँ पे हम हीरोशिप को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसमें जो आपके अंदर जो कला है वो बहुत खूबसूरत अंदाज में दिखी है, ज़बरदस्त। रिमशा, आप जब गाती हो तो ऐसा लगता है कि जो सुर आप लगा रही हो वो बोल रहे हैं। अगर आप जैसे ये गाना गाया आपने तो ये राग भोपाली में है, तो अगर आप गंधार लगाती तो गंधार ऐसा लगता है कि ये गंधार में वो बोलता है कि मैं गंधार हूँ, या ऋषभ लगाती हैं या पंचम लगाती हैं तो सारे सुर आपके बोलते हैं। और ये सिंगर के अंदर एक क्वालिटी होती है कि जब उसकी उसका गाने का इतना असर है कि भाई उसके सारे सुर बोल रहे हैं, तो ये बहुत कमाल बात है। और तुमने बहुत अच्छा गाया, वेरी गुड। ओके, थैंक यू गुरुज, थैंक यू सो मच। महागुरु, इसमें ना एक एग्रेशन है अंदर, चाहे ये रोमांटिक गाना गाती है चाहे ये अभी जैसे ये गाना में गाया, इसमें ऑफकोर्स वो जोश चाहिए था और वो एक बुलंदी चाहिए थी, पर वो एक जो गुस्सा इसके जो अंदर है ना, इसके गाने में एग्रेशन झलकता है, तो इसको थोड़ा सा शांत होना बहुत जरूरी है। गाया तुमने अच्छा, ठीक है, वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू, और अच्छा गाना नेक्स्ट टाइम, क्योंकि अभी बहुत मामला काफी नाजुक चल रहा है। और इस बार बैंड अभीरु, आपके लिए एक चीज कहना चाहती हूँ मैं, दिस फॉर यू, काकरम काकड़ी। क्या बात है, चलो सबसे आगे ले जाओ।